बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज बना रही हूँ फलसी। मैंने इसमें कांदा और हरी मिर्ची डाली, भून रही हूँ। ब्राउन होने तक इसको भूनूंगी, जो कि ब्राउन हो गया है। अभी इसमें मैं डालूँगी, अभी इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने डाल दिए। अभी मैं इसको और अच्छे से भूनूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने बाद मैं इस बेटा में टोमेटो मिक्स कर रही हूँ। टोमेटो डाल दी हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से भून ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक, भाजी मसाला, कोकोनट पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर दी। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फलसी और पोटैटो। आप लोग सब्ज़ी को क्या बोलते हैं? मैं हम लोग इसको फलसी बोलते हैं, फरज बीज बोलते हैं। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास वाटर, 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसको गलने के लिए, सब्ज़ी को गलने के लिए डालना होता है, जो मैंने डाल दिया। अभी मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी ऐड की, मैंने कसूरी मेथी डाला इसमें, और इसमें कोकम डाली हूँ, जो कि खट्टा खट्टे के लिए डालना होता है, जो सालन ख़राब नहीं होते हैं तो हम लोग डालते हैं कुछ ना कुछ। इसमें अभी डाली कोरिएंडर अभी मिक्स करूँगी। हो गया मिक्स। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून सॉल्ट। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग बनाए एक बार, आप लोग भी ट्राई करिए। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि वो खट्टा भी मिक्स होना ज़रूरी है। अभी मैं इसमें चेक कर रही थी पोटैटो, जो कि बराबर से गला नहीं था, बराबर नहीं हुआ था। मैं इस चेक कर रही थी, मैं जो कि नहीं हुआ था, गला नहीं था मतलब पोटैटो। तो प्लीज़ लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो जो न्यू आते हैं, और जिसको मैंने ऑलरेडी सपोर्ट किया हुआ है, प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए मुझे। और अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ। पोटैटो गल गया है, बटाटा गल गया है। अब मैं इसमें चेक कर रही हूँ भाजी, गरम बहुत था, तो आप लोग भी ज़रा संभाल के कीजिए। मैं फिर भी चेक करूँगी, भी देखना ज़रूरी है, कच्ची सब्ज़ी तो नहीं खा सकते। तो चेक, मैंने चेक किया, गल गई थी भाजी भी, गल गई थी, तो हो गया था। बट फिर मैं एक बार फिर पोटैटो चेक करूँगी, बटाटा चेक करती हूँ मैं बार बार, कि कच्चा नहीं खाया जाए। बच्चे भी होते हैं, तो मेरे बच्चे वो शौक से बटाटा, वो शौक से पोटैटो, वो शौक से खाते हैं, तो हो गया था। और मैं कभी भी गैस लो पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे खास गैस पसंद नहीं है, तो स्लो पे बनाना पसंद करती हूँ। थैंक यू।